नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता असियम्मा एक गृहिणी थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता के आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल पढ़ाई रामानाथपुरम सचुआर्तज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइनर बनकर की। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदंबरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनज़र NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी। इस तरीके की कई किताबें लिखीं। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड ग्राइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी हैं, इसलिए हम लोग उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए।